मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक घर में पति पत्नी के जिंदा जलने से मौत हो गई है। दंपत्ति का शव जली हालत में मिला। बताते चले कि पड़ोसियों ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी है और पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुट गई है। सुबह 5:30 बजे लगभग सूचना प्राप्त हुई थी, जाटखेड़ी में एक कमरे का एक मकान है जिसमें कुछ आग की धुआं निकल रही है। तो आस पड़ोस के लोगों ने और वहां के परिजनों ने जाके दरवाजा धक्का देके खोला तो देखा उसमें सतीश बिराड़े और उसकी पत्नी आम्रपाली, दोनों पति पत्नी लगभग 3 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, ये दोनों वहां अलग रहते थे कमरे में। तो वो दोनों ही वहां पे आग लगने के कारण जलकर दोनों की मृत्यु हो गई थी। रिपोर्ट पर से मर कायम किया गया है और जांच में लिया गया। कोई सुसाइड नोट वगैरह पुलिस क्या मानती प्रथम दृष्टया इसको कि सुसाइड किया है, हादसा है या हत्या है? ये समस्त पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस जांच कर रही है। इसमें अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट तथ्य नहीं आया है, परंतु समस्त पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए इसमें साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं, जांच की जा रही है। क्योंकि एक कमरे का ही मकान था, आग पूरी तरह से कमरे में समग्र लगा हुआ था, तो कुछ नोट होने और ना होने के संबंध में कोई इस प्रकार साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक मामला सामने आया है जहां पर एक दंपत्ति की आग में जलकर मौत हो गई। ये दो दोनों दंपत्ति थे, ये राजधानी भोपाल के मिसरौद के जाटखेड़ी इलाके में रहते थे और ये जो जगह आप देख रहे हैं उनका ये छोटा सा कमरा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। आप देखेंगे कि एक ड्रेसिंग टेबल है, एक गैस रखा हुआ है, गैस यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन एक कूलर और या फिर जो भी हम कह सकते हैं कि बिस्तर वगैरह सब थे वो सब जलकर खाक हो चुका है। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो ये जला हुआ सब कुछ पड़ा हुआ है, आपको हड्डियाँ तक दिखेंगी क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर भीषण आग लगी है यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, सब तहस नहस हो गया। और आप को बता दें कि ये जो दोनों दंपत्ति थे सतीश और उनकी पत्नी आम्रपाली, ये 26 और 24 साल के थे, 3 साल पहले इनकी शादी हुई, फूल माली का इनका काम का जो है वो था। अभी देखिए आप हल्की सी यहाँ पर धुआं निकल रहा है, हालांकि बुधवार रात की ये घटना है। पूरे बिल्कुल दोनों जल गए और सिर्फ उनकी हड्डियाँ निकली। उनके परिजन, उनके पिताजी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अंकल जी क्या हुआ था, क्योंकि आप बगल में ही रहते हैं, क्या आपको पता चला, कितने बजे की ये घटना है, किस दिन की? मतलब इनने शुरुआत कैसे करी या बाहर से शुरुआत हुई या घर से, इनका तो इनको ही मालूम था। अब जब 9:30 या 10:30 के लगभग गाड़ी अंदर करी इसने, तो मम्मी को बोला मम्मी दरवाजा गेट लगा लो, अब मैं भी गेट लगा लो, सो जाओ, आप भी सो जाओ, हम भी सो जाते हैं। मम्मी ने बोला बेटा हम जाए, हम बोला हाँ मम्मी जाओ। मम्मी ने अपना गेट लगा लिया, इनने अपना गेट लगा लिया, और मतलब हम बच्चों ने कूलर लगा लिया, कूलर लगा के सब अपना ओढ़ के सो गए। तो सो गए तो बेटा हम लोग सो ही गए और ऐसी नींद लगी, किसी की नींद ही नहीं खुली। पड़ोस में जुआल जो है, हमारी बेटी लगती भाई की लड़की है चचेरे भाई, वो आई सुबह, तो मैं दरवाज़ा खोलने में था और वो उधर से आ ही रही थी। उस फ्रेंड में उनका क्या हुआ तो बोला कि भाई आपके ये दीवार में कोई चूल्हा वाला जला रहा है। हमने कहा नहीं, तो बोला देखो आग लगी हुई है, शायद कुछ गर्म हो रही है एकदम दीवार, मेरे घर तक पूरा गर्म हो गया है। मैं मैडम जब देखा तो दरवाजा ऐसा किया तो पता चला कि हाँ आग जल रही थी कोने में। तो मैं आया तो मैंने कहा अरे यार तो बच्चे वच्चे दिख नहीं रहे, गाड़ियाँ वाड़ियाँ कहाँ, ये सब। मैं घबरा करके घर में घुसा और वहाँ से 2-4 बाल्टियाँ पानी ला करके आग बुझाई, और फिर बच्चों की तरफ मेरी बाउंड्री की तरफ ध्यान ही नहीं था। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बच्चे बाहर निकल गए सुबह सुबह घूमने के साथ, जबकि घूमने कहीं जाते नहीं थे वो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भाई जैसे आग लगी घर में तो हो सकता है ये दोनों कहीं भाग गए हो, मगर ऐसा नहीं हुआ मैडम। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि तो दोनों की बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, जल के खाक हो गई है। कुछ बचा भी नहीं? कुछ नहीं बचा मैडम, सिर्फ समेट के ले गए, हड्डियाँ ले गए पीएम के लिए, वहीं जा रहे हम लोग लेने के लिए। कोई किसी प्रकार का तनाव था आप लोगों से, कोई लड़ाई? आज तक कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए घर में, परिवार में पूरा मोहल्ला गवा देता है। और हमारे साले की, सगे साले की बेटी थी, कोई पराई लड़की नहीं थी, सगे साले की लड़की थी। बच्चे वगैरह नहीं है? बच्चे नहीं थे मैडम उनको, अब 3 साल शादी को हो गए थे, बच्चे वच्चे नहीं हुए अभी। अच्छा, तो उस बात का कोई तनाव था? ऐसा कुछ भी नहीं, अगर दोनों में होता हो मैडम तो ये हमें नहीं मालूम था, हमारे सामने कभी जाहिर ही नहीं हुआ। अगर ऐसा जाहिर होता तो एक पिता के नाते मैं उससे पूछता कि बेटा क्या तबलीग है, क्या क्या चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें मैं उससे पूछता, लेकिन उन लोगों ने हमको बताया नहीं, मौका ही नहीं दिया सब बताने का।
अगर आप उधर तरफ देखेंगे थोड़ा सा तो आपको ये समझ में आएगा कि आग सिर्फ इसी जगह पर लगाई गई है। एक सिलेंडर उन्होंने बाहर रख दिया था। मैडम बाहर सिलेंडर था, अभी हाँ। कैसे रखा गया, कैसे नहीं, ये वहाँ अभी कोई सिलेंडर नहीं रखा है, सब सिलेंडर बाहर है। तो देखिए एक इसमें यहाँ पर जो आशंका जाहिर हो रही है कि पुलिस फिलहाल तीन एंगल पर इस पर जाँच कर रही है। एक कि ये दुर्घटना हो सकती है, दूसरा क्या ये आत्महत्या है, तीसरा क्या ये हत्या है। तीनों ही एंगल पर पुलिस जाँच कर रही है। ये पड़ोसी हैं जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है। इनके आपने माता पिता को बताया, क्या आपको लगा, क्योंकि कहीं पर भी आग लगती है तो ठंड के मौसम में और जल्दी पता लगता है क्योंकि धधकने लग जाता है आसपास का इलाका। बिल्कुल सही बात। जब पड़ोसियों सबने देखा कि धुआं निकला तो माँ बाप को बुलाया, बताया कि भैया ये ऐसी बात है, क्या घर में क्या चूल्हा जल रहा है, क्या जल रहा है, इसकी जानकारी माँ बाप ने फटाक से आके दरवाजा तोड़ा, देखा तो ये बिल्कुल बेरहमी की हालत में पड़े हुए थे दोनों जन, जल के खाक हो गया था पूरा। अच्छा, मेन आप लोगों ने आग कहाँ देखी थी, आग किस तरफ मुख्य लगी? बेड पे देखी थी, बेड पे, बेड पे। अच्छा। आप लोगों ने, आप लोग तो क्योंकि आसपास क्या मतलब सब मिलजुल के रहते थे, कोई परेशानी नहीं थी? कोई परेशानी नहीं थी, कोई दुख तो नहीं था। पता नहीं कैसे क्या दुर्घटना हुई है, मोबाइल रखा था उनके बगल में, वो फटने से हुआ है कि क्या हुआ ये जानकारी प्राप्त नहीं हुई। अच्छा, एक चीज आपको दिखा देते हैं कि जो अक्सर सिलेंडर जहाँ पर रखा करता था, हालांकि जो सॉकेट्स वगैरह आप यहाँ देखेंगे ये बिल्कुल ही जल के खाक हो गए, ऊपर की दीवारें अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल ही काली हो चुकी हैं। एक बड़ी बात ये है कि जब ये आग लगी है, अक्सर वहाँ वो खाना बनाया करते थे, लेकिन उस दिन जिस दिन घटना हुई है उन्होंने ये सिलेंडर निकाल के बाहर रख दिया था। अब क्या सोच के हुआ है, क्योंकि इसकी दो तीन एंगल पे जांच चल रही है कि सुसाइड भी हो सकता है या फिर हम कह सकते हैं कि हत्या भी हो सकती है, दुर्घटना तो माना जा ही रहा है, लेकिन ये सिलेंडर निकाल कर बाहर क्यों रखा था, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है। हालांकि जो पड़ोसी हैं और जो परिवारजन हैं उनका ऐसा कहना था कि ऐसा कोई तनाव नहीं था जिसके कारण वो ऐसा कोई कदम उठाएं, लेकिन पुलिस फिलहाल मामले की जाँच में जुटी हुई है, तह तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखना फिलहाल अभी जरूरी होगा। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।